हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? और KBS की तैयारी कैसी चल रही है आप सभी लोगों की, इंटरव्यू की? तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, तैयारी को और रफ्तार दीजिए, क्योंकि मैं दो लाइन पढ़ना चाहूँगा कि जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठे बैठे क्या आसमान देखता है, और परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो फ्रेंड्स, अच्छे से अपनी KBS, TGT, PGT, PRT इनके इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करते रहिए, लगे रहिए, क्योंकि अब तो ये पीक टाइम है, यानी किसी भी समय आपकी डेट आ सकती है इंटरव्यू की। सो फाइनल अपने आप को सेल्फ तैयार रखिए, सेल्फ मोटिवेट रखिए, क्विक लर्नर बनिए और एक अच्छे डिसीजन मेकर बनिए, जिससे कि बहुत जल्दी डिसीजन ले सकें। तो फ्रेंड्स, मैं आज जो बात करने जा रहा हूँ यहाँ पे फ़िलहाल, कि जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उससे पहले हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार रखने हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मतलब जल्दी ही जो रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि पता भी है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि एक बार और ध्यान से समझ लें, जिससे कि कोई गलती ना हो। तो फ्रेंड्स, हमें कम से कम यहाँ 10 डॉक्यूमेंट्स आपको मिनिमम जो मतलब रिक्वायरमेंट रहती है जिनकी, उनको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। पहला आपका जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट है वो 10th की डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। ऐसे ही सेकंड आपको 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, और थर्ड ग्रेजुएशन की आपके फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अलग अलग यहाँ रखें, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, अलग अलग। फोर्थ आपको, अगर जैसे आपने PRT दिया है तो CTET प्राइमरी, और अगर आपने TGT दिया है तो CTET जूनियर क्वालिफाइड होना चाहिए। आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपके 97 मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम 90, और अगर आप OBC, SC, ST कैंडिडेट हैं तो आपके 82 मार्क्स होने चाहिए। चलिए, आप फ्रेंड्स, अगर मान के चलिए किसी का स्टडी के दौरान कोई गैप है, जैसे ग्रेजुएशन के बाद आपने BEd BTC किया हुआ है या और कुछ भी किया है, तो कोई भी डिग्री डिप्लोमा है, तो उसका उसके दौरान आपका क्या रहा है, बीच में गैप रहा है, तो गैप के लिए आपको एफिडेविट बनवाना है फ्रेंड्स, वो एफिडेविट भी आपका होना चाहिए। चलिए, एफिडेविट की बात हो गई। अब जो जनरल कैंडिडेट्स हैं उनकी तो कोई बात नहीं, अदरवाइज जो और दूसरी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट, सेंट्रल वाला, आपके स्टेट वाला नहीं, कौन सा, सेंट्रल वाला कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST OBC का। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका क्या, कास्ट सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग। अगला आपका PH कैंडिडेट अगर आप हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्या है, अगला आपका आता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी हमारे पास होना चाहिए फ्रेंड्स। अच्छा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो KVS आपको क्या करता है, एक बायोडाटा फॉर्म प्रोवाइड कराता है, तो वो बायोडाटा फॉर्म हमें भर के ले जाना है, उसमें भी आपको कम से कम 50 वर्ड्स में अपने बारे में लिखना है, जिसमें आप अपने बारे में सटीक और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके बायोडाटा भरें, क्योंकि बायोडाटा जितना अच्छा होगा उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अगला क्या, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, NOC। जो लोग पहले से नौकरी में हैं उनके लिए NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। अगर वो दोबारा से अप्लाई करते हैं तो वो वहाँ पे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने के लिए वो NOC लेते हैं, तो ये आपके पास NOC सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास मतलब होने ही चाहिए। इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं होता फ्रेंड्स, तो ये आप समझ लें कि क्या है। और एक और डॉक्यूमेंट जिसको मैं बता दे रहा हूँ, आधार, वो सब पे ही होगा, आधार कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अभी से तैयार रखिए, और जो भी कैंडिडेट्स OBC, SC, ST हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट, और एक और चीज़ ध्यान रखें, नॉन क्रीमी लेयर, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर जैसे कि आप OBC में नॉन क्रीमी लेयर हैं तो OBC NCL का फॉर्म आपका जो बनता है, और अगर आप क्रीमी लेयर हैं तो फिर आपको फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। AWS वालों के लिए फ्रेंड्स, AWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए जनरल में। तो ये फ्रेंड्स, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने तैयार रखेंगे, और इंटरव्यू से पहले इनको एक फाइल में, अच्छे से फाइल में आप इनको
मतलब रखेंगे और इंटरव्यू के दौरान ले जाएंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।